नमस्कार, लसकुक समथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं लहसुनी मेथी। तो लहसुनी मेथी जो है काफ़ी अच्छा खाने में लगता है, तो इसे एक बार बना के आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही होगा, हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप काफ़ी चीज़ मिस कर जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो लहसुनी मेथी बना रहे हैं, तो ये हमने मेथी को अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिए लिए देख सकते हैं, साफ करके इसे हमें कट कर लिए। अब हमें क्या करना है, मेथी का मसाला तैयार करना है। तो ये हमने एक कप लिए हैं चम्मच से, देखिए तो बड़ा चम्मच से, एक बड़ा चम्मच हम लिए हैं सफ़ेद तिल लिए हैं। अब हमें लेना है एक बड़ा चम्मच, हम लेंगे ये मूंगफली लिए हैं, इसको हमने रोस्ट करके इसका हमें छिलका निकाल लिए हैं। अब हमें इसमें ऐड करना है एक बड़ा चम्मच बेसन ऐड कर रहे हैं। अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसका हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। तो हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रखे है, इसमें हम तेल ऐड करेंगे। तो एक छोटा चम्मच हम तेल ऐड करेंगे, इस समय हम ज़्यादा तेल नहीं ऐड करेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन। तो ये हमने लहसुन लिए हैं, तो लहसुन को जो हमें हल्का सा पका लेना है। तो लहसुन दिख रहा होगा आपको, हल्का पक चुका है, लहसुन गोल्डन कलर का हो गया है। अब हमें इसमें ऐड करना है ये जो हमने मेथी कट करके रखे हैं, इसे ऐड कर देंगे। तो मेथी ऐड कर दिए हैं, अब इसको हमें क्या करना है, अच्छी तरह से मिला लेना है। तो इस तरह से बनाएंगे लहसुनी मेथी, काफ़ी अच्छा खाने में लगता है। अगर आप बनाएंगे तो हमेशा बनाना पसंद करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे ही होगा, हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप काफ़ी चीज़ मिस कर जाएंगे। अब इसको हमें क्या करना है, ढक के पकाना है, बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो मेथी को हमने 2 से 3 मिनट पकाए हैं, ये देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे निकाल लेना है। तो हमने मेथी निकाल लिए हैं और इसी कढ़ाई में हमें तेल ऐड करना है। तो 1 टेबल स्पून हम तेल ऐड करेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। अब इसमें हमें जीरा ऐड करना है, तो आधा छोटी चम्मच हम इसमें जीरा ऐड किए हैं। अब हमें इसमें ऐड करना हरी मिर्च, एक हमने हरी मिर्च ऐड की है, इसे पकने देंगे। ये जीरा पक चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने प्याज लिए, 2 प्याज लिए, इसे हमने कट कर लिए, इसे ऐड करेंगे। तो प्याज को हमें पकाना है सुनहरा कलर होने तक। ये हमने प्याज को पका लिया, देख सकते हैं हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है, ये सुनहरा कलर का हो गया है। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। अब इसमें हम ये टमाटर डाल देंगे, तो 2 टमाटर लिए, बड़ा टमाटर था, उसे छोटा हो तो 3 से 4 आप ले लें। इसे भी हमें पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो टमाटर जो है हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, तो इस समय हम इसे निकाल लेंगे। तब इसमें हमें क्या करना, बिल्कुल ही थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे, ज़्यादा तेल नहीं ऐड करेंगे, एक छोटा चम्मच हम तेल ऐड करेंगे। और ये हमने लहसुन लिए हैं, लहसुन को हमने इस तरह से दरदरा कूट लिया है, तो इसको हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो लहसुन को बारीक कट कर सकते हैं या फिर इस तरह से आप दरदरा कर सकते हैं। ये हमने लहसुनी मेथी बना रहे हैं, तो ये लहसुन हम बाद में ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो जिस समय हमने जीरा और मिर्च डाले थे उस समय आप ये लहसुन को ऐड कर दें, उसके बाद आप प्याज ऐड करें। इसे हमें हल्का सा भून लेंगे, 1 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। ये हमने लहसुन को भून लिया, देख सकते हैं लहसुन का कलर चेंज हो चुका है। इसमें जो है हम तेल कम ऐड किए, आप चाहे तो तेल अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और ये जो हमने मसाला, ये जो टमाटर प्याज को जो हमने भून के रखे थे उसे भी हम इसमें ऐड कर दिए। इन सारे चीज़ों को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। इन सारे चीज़ों को हमने 1 मिनट तक इस तरह से भून लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये जो हमने मसाला तैयार किए थे, पीनट तिल ये सारी चीज़ का, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हमें क्या करना है, अच्छी तरह से मिला लेना है। इसको हमें 1 से 2 मिनट तक हमें इस तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेना है। इसको हमने 2 से 3 मिनट तक भून लिए मीडियम फ्लेम पे। अब हमें इसमें ऐड करना है मसाला, तो आधा छोटी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब इसमें हमें ऐड करना है 1 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड किए हैं। अब हमें ऐड करना है नमक, तो नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ले लें। इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और इन सारे चीज़ों को जो है हमें अच्छी तरह से
मिला लेना है। तो अगर इस तरह से आप बनाएंगे लहसुनी मेथी तो काफ़ी अच्छा टेस्टी आपका ये सब्जी बनके तैयार होगा। इसमें जो हमने बेसन ऐड किए हैं तो इससे जो है ग्रेवी काफ़ी अच्छा आता है। तो इसको हमें अच्छी तरह से भून लेना है। हमने अच्छी तरह से भून लिया है, मसाला मेरा भुना गया है। अब इसमें हम ऐड करना है थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो ये जो हमने मसाला पीसे थे पीनट, उसी में हमने पानी डाल दिए थे, तो वही पानी हमने इसमें डाले हैं। थोड़ा सा और हमें पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। ये हमने इसमें पानी डाल दिया, देख सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें इसमें पानी नहीं ऐड करना है। अब हमें क्या करना है, इसे ढक के पकाना है, बीच बीच में चलाते रहेंगे 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे। तो इसको हमने पकाया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब देख सकते हैं ग्रेवी काफ़ी थिक हो चुका है, काफ़ी अच्छा खुशबू आ रहा है इसमें से। अब हमें क्या करना है, इसमें ये जो हमने मेथी को तैयार करके रखे हैं तो इसमें हम ये मेथी को ऐड कर देंगे। आप ये बना के लहसुनी मेथी ज़रूर तैयार कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। आप अगर बनाएंगे तो हमेशा बनाना पसंद करेंगे। इसको हमें क्या करना है, अच्छी तरह से देखिए मिला लेना है। ये देख सकते हैं कितना अच्छा ये देखने में लग रहा है, ये खाने में भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप काफ़ी चीज़ मिस कर जाएंगे। अब इसको हमें ढक के 3 से 4 मिनट हमें पकाना है मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल ही गैस को लो कर देना है। इसे हमने 2 मिनट पका लिया है, ये देख सकते हैं 2 से 3 मिनट पकाए मीडियम फ्लेम पे। तो ये मेरा लहसुनी मेथी बन के तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। तो लहसुनी मेथी बन के तैयार है, काफ़ी अच्छा टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसा लगा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।